केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। बजट में अनेक तरह की सुविधाओं को लेकर घोषणाएं की गई है। बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। उनमें से एक बड़ा ऐलान अपडेटेड रिटर्न को लेकर जुड़ा हुआ है। देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट प्रस्तुत किया। बजट को लेकर सुबह से ही लोगों का रुझान बना रहा। बजट में वित्त मंत्री ने सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए घोषणाएं की हैं। बजट को जानने समझने लोग बजट शुरू होने के उपरांत से अपने टीवी के समक्ष बैठे रहे। बजट में कई तरह के कार्यक्रमों को शुरू करने की घोषणाएं की गई हैं। बजट को लेकर भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के भिलाई जिला संयोजक मधु शाह, प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य छोटू चावला, जिला प्रचार प्रसार मंत्री व्यापारी प्रकोष्ठ मीनाल चौहान और एक नौकरी पेशा व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज भारत सरकार की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, आज के इतिहास में ऐसा बजट पूर्व में कभी भी पेश नहीं हुआ, जो कि इतनी भारी कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बिगड़ने के बावजूद भी हर तरफ ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया गया, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सबका समन्वय लेते हुए व्यापार जगत, आम जनता और नौकरी वाले सबका लिया गया। जैसे इसमें प्रमुख रूप से जो घोषणा की गई उसमें दिव्यांगों को कर से मुक्त किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% लाया गया, और प्रधानमंत्री की सबसे सुंदर योजना की हर व्यक्ति जिसका छत नहीं है उसे मकान मिले, पीएमवाई योजना के अंतर्गत 80 लाख मकान बनाने के लिए 48,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया, कर्मचारियों को जो पेंशन मिलता था उसमें टैक्स की छूट दी गई, सोलर पावर के लिए 19,500 करोड़ का आवंटन किया गया, लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन में 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा, गिफ्ट में विदेशी संस्थाओं को मंजूरी दी गई, और सबसे बड़ी चीज़ कि हाईवे का जो जाल हमारे मंत्री द्वारा जो धन दिया गया है वो जाल बिछाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कृषि स्टार्टअप के लिए नाबार्ड से फंडिंग की जा रही है, और हर घर में जल पहुंचाने के लिए एक योजना का, नल जल योजना का विस्तार किया जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ कि भेदभाव ना करते हुए हमारी वित्त मंत्री जी ने सभी राज्यों को दी जाने वाली विकास की राशि 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दी, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1,00,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया, और भारत में पहली बार डिजिटल करेंसी चालू की जा रही है। बजट के दौरान शेयर इतना उछाल मारा कि उससे ये साफ प्रतीत होता है कि आज का बजट ऐतिहासिक बजट था। आज हमारे वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया है, मेरे अनुसार वो समाज के हर वर्ग से लाभान्वित होंगे और हर वर्ग को इसका फ़ायदा पहुँचेगा, जिसमें व्यापारी हो चाहे हर वर्ग, यानी समाज के हर वर्ग इससे लाभान्वित होंगे। और जैसे आज देख रहे हो आप, जैसे डिजिटल पेटीएम वगैरह सब चल रहा है, तो इसके लिए RBI डिजिटल रुपया करके लॉन्च करने वाली है। उसके बाद जैसे आंगनबाड़ी है, उसमें 2,00,000 आंगनबाड़ी का विस्तार होने वाला है इस साल। उसके बाद किसानों के हित में ये बजट है, और व्यापारियों में भी टैक्स में भी कमी आई है। अब 2 साल मतलब इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 2 साल IT लगेगा, इसका प्रावधान किया गया है, और भी बहुत सारी बातों को मतलब ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया। मेरे अनुसार बहुत ही अच्छा बजट है। मैं मीनाल चौहान, जिला प्रचार प्रसार मंत्री व्यापार प्रकोष्ठ से, और आज के जो बजट पेश हुआ है माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया है उसमें कुछ मुख्य बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, जैसे कि 1 Class 1 TV चैनल फॉर एजुकेशन्स के लिए है, और 3 साल में 400 नए भारत वंदे मातरम ट्रेन की शुरुआत की गई है, कैपिटल गुड्स पर 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी ऐसा कहा गया है, और कपड़ा भी सस्ता होगा, चमड़े का सामान सस्ता होगा, ऐसे काफ़ी प्रमुख चीज़ें हैं जो माननीय सीतारमण जी ने पेश किया है, और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ कि एक नए भारत का शुरुआत हो रहा है और इतना अच्छा बजट है, और मैं सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बजट को लेके कम से कम आम जनों में, खासतौर से मध्यम वर्ग में तो कोई उम्मीद नहीं है। देश जो है लगातार असमानता की ओर बढ़ रहा है। आज भारत में अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और जो कम रोजी कमाने वाले और मध्यम वर्ग है उन लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है।
सरकार भले अपने पिटारे में से कितना भी कुछ नई नई चीज़ों का ऐलान करे, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब मध्यम वर्ग को इस बजट से कोई आशा करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 7 वर्षों का ये अनुभव रहा है कि सरकार ने जो भी वादे किए हैं और जो कुछ भी बजट में दर्शाया है वो वादे आगे जाके पूरे नहीं हुए और बजट को भी संशोधित करके वो राशि को बहुत कम कर दिया गया। मसलन इनका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था नमामि गंगे, उसको 2019-20 के बजट में 20,000 करोड़ का दिखा दिया, लेकिन अभी जब उनका जब संशोधित बजट आया तब उसमें मालूम चला कि उसमें मात्र 261 करोड़ ओनली उन्होंने खर्च किया है। ये बाकी पैसा कहाँ गया? बजट में वाहवाही कहने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट बनाने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ज़मीन में कुछ नहीं हो रहा है और जो कुछ भी है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। मध्यम वर्ग जो अपनी नौकरियों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्रों पर निर्भर रहता था, लगातार उसका बिक्री किया जा रहा है। सरकार को तो इस बजट में ये बताना चाहिए कि वो इस साल और क्या क्या बेचने जा रही है। सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है, कम से कम यही बता दें कि वो पेगासस का बजट वो किस मद में वो दिखाते हैं। $2 बिलियन का उन्होंने सौदा किया, बताइए वो किस बजट में था। दरअसल ये बजट जो है सिर्फ लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए और अपने मित्रों को बढ़ावा देने के लिए। धन्यवाद। बहरहाल बजट का कहीं स्वागत किया गया है तो कहीं इसे जन भावनाओं के विपरीत बताया गया है। साथ ही बजट में नए वित्तीय वर्ष में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की बातें कही गई हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।